वेलकम टू सोशल स्कूल मैं हूं आपकी अनुश्या दीदी एंड एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई आई होप होप आप सब ठीक हो कि हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन बहुत मजा आएगा तुम लोगों को इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पर आगे बढ़ने से पहले यहां जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट लाने वाली हूँ एक और चीज अगर आप न्यू स्टूडेंट हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे पुराने वाले लेक्चर्स कहाँ हैं तो टेंशन मत लो इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में आपको इसके पुराने वाले सारे लेक्चर्स और चैप्टर्स मिल जाएंगे ओके चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले रेडी हो जाओ सब लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर इंडिया तो बता रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने इस बुक में जो कुछ भी पढ़ा उसमें हम लोग अपने कंट्री के अंदर फोकस कर रहे थे है ना जैसे क्या क्या चैलेंजेस थे आजादी के टाइम पर ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे अब हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में हम लोग अपने कंट्री के बाहर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एंड आसपास के कंट्रीज के साथ थोड़ा रिलेशन वगैरह कैसा था उस टाइम पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं तो हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि बहुत इजीली उन लोगों ने सारा फॉरेन पॉलिसी डिजाइन कर लिया था उनको अलग अलग टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़े थे तो उन चैलेंजेस के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा इसके अलावा नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हम लोगों ने अपना ली थी वो क्या होता है वो भी आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा इन डिटेल बता दिया जाएगा ठीक है तो ये सारी चीजें तुम्हें थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में बता दिया जाएगा नेक्स्ट आप ये भी समझोगे कि इस टाइम के अराउंड हमारे इंडिया में वॉर का भी माहौल चल रहा था तो 1962, 1965 और 1971 में वॉर्स भी हुए थे तो ऐसा नहीं था कि हर बार हम लोग बढ़िया पॉलिसी बनाकर फ्रेंडली तरीके से अपने नेबर्स के साथ कॉपरेट करते थे कभी कभी कुछ कुछ भी आ जाते थे, वजह से 1962, 65 और 71 में हमें वॉर्स को भी देखना पड़ा ठीक है अब ये जो वॉर्स हैं, ये वॉर्स कंट्री के अंदर भी कुछ कुछ इशूज चल रहे थे और कंट्री के एक्सटर्नल रिलेशन के वजह से भी ये वॉर्स हुए थे तो इन सारी चीजों के बारे में आपको इन डिटेल इस चैप्टर में बता दिया जाएगा तो जब तक ये चैप्टर फिनिश होगा, आप लोगों को क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी जल्दी से देख लेते हैं आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा कि इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या था जिसने हमारे इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस को शेप दिया मतलब उस टाइम पर हमारे इंडिया के आसपास जो नेबर्स थे और जो बाकी कंट्रीज थी उन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन कैसे शेप हुआ आप ये समझोगे आप ये भी समझोगे कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे जिनको यूज करके हमने अपने कंट्री का फॉरेन पॉलिसी बनाया इस चैप्टर में आपको चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन कैसे बिल्ड हुआ कैसा है ये सब भी बताया जाएगा तो चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा था ये भी आप इन डिटेल इस चैप्टर में समझोगे और चैप्टर के एकदम एंड में आपको इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में भी बता दिया जाएगा तो लाइक सेड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर में आपको ये सारी चीजें समझने को मिलेंगी चलो तो बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट मतलब इंटरनेशनल लेवल पर उस टाइम पर क्या चल रहा था जब हमारी कंट्री बनी थी तो आपको बताया जा रहा है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ज्यादा चैलेंजिंग से माहौल में बॉर्न हुई थी ठीक है जब हमारी कंट्री बनी इंडिया उस टाइम पर एक चैलेंजिंग सा माहौल था ठीक है क्या चैलेंजिंग सा माहौल था पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स में अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या था एक वॉर फिनिश हुआ था 47 में हमें आजादी मिली 45 में क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और अलग अलग कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश कर रही थी हर एक कंट्री अपनी एक पहचान बनाने के फेज में थी इस टाइम पर और क्या आपको बता रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हो रही थी इस टाइम के अराउंड अलग अलग कंट्री सोच रही थी कि शायद हमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनको नई नई आजादी मिल रही थी कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो कॉलोनियलिज्म को हटा रही थी कॉलोनियलिज्म समझते हैं सब लोग कॉलोनियलिज्म मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर रखा था ना उसे हम कोलोनियलिज्म कहते हैं जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कब्जा कर ले तो काफी सारी कंट्रीज थी जो उस टाइम पे कोलोनियम के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में लगी हुई थी और बहुत सारे ऐसे भी नए नए कंट्रीज थे जिनके सामने एक ट्विन चैलेंज था ट्विन चैलेंज का मतलब दो चैलेंजेस वो लोग साथ में संभाल रहे थे क्या था वो ट्विन चैलेंज एक था वेलफेयर और एक था डेमोक्रेसी तो इस टाइम पर जो जो नई कंट्रीज बनी थी उनके सामने दो दिक्कतें थी एक तो क्या था कि वेलफेयर करना लोगों का भला करना ठीक है, लोगों का डेवलपमेंट करना और दूसरा चैलेंज क्या था कि यार हमें डेमोक्रेसी लेकर आनी है कंट्री में डेमोक्रेसी को संभालना है तो हमारा उस टाइम का जो फॉरेन पॉलिसी था ना वो इन सारे इश्यूज को रिफ्लेक्ट करता था जाहिर सी बात है कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स चलेंगी वो सारी चीजें हमारी पॉलिसी में दिखेंगी है ना तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था आजादी मिलने के बाद जो हमने फॉरेन पॉलिसी बनाया उन पॉलिसीज में ये सारे कंसर्न्स रिफ्लेक्ट होते थे ये सारे कंसर्न्स दिखते थे कि अच्छा इंडिया में ये ये दिक्कत है इंडिया वेलफेयर भी चाहता है डेमोक्रेसी भी चाहता है ये सारी चीजें हमारी पॉलिसीज में दिखती थी ठीक है तो ये सारी चीजें तो चल रही थी इसके अलावा भी इंडिया के खुद के भी कुछ और इश्यूज थे तो ये सारी चीजें कि वॉर खत्म हुआ था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था तो ये सारी तो वर्ल्ड लेवल पर चल रही थी पर इस टाइम पे इंडिया के अंदर भी कुछ कुछ दिक्कतें चल रही थी उनको डिस्कस करते हैं क्या थी वो दिक्कत पॉइंट वन हमने ब्रिटिशर्स को भगा दिया था है ना पर ब्रिटिशर्स इतने अच्छे लोग थोड़ी हैं जब ये लोग इंडिया से गए तो ये इंडिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स छोड़ के चले गए जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग इंडिया से भयंकर लूट मचा के गए थे तो हमारी इकोनॉमी एकदम बिगाड़ के चले गए थे इसके अलावा और क्या था पार्टीशन का टाइम चल रहा था तो पार्टीशन के वजह से अलग वायलेंस चल रहा था इंडिया में और गरीबी इंडिया में बहुत ज्यादा थी तो हमारे गवर्नमेंट के हाथ में एक और टास्क था कि यार हमें गरीबी को कम करना है तो ये ओवरऑल कंटेक्स था इंटरनेशनली और इंडिया के अंदर ये पूरा ओवरऑल कंटेक्स चल रहा था जब इंडिया धीरे धीरे ये सोचना स्टार्ट करता है कि हमें एक फॉरेन पॉलिसी बना लेना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग अपने फॉरेन रिलेशंस को बनाने निकले ना तो हमारा क्या एम था हमने ये एम करा कि हम हर एक नेशन के सोवर्निटी को इज्जत देंगे हर एक कंट्री के पास खुद के डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं एंड हमें हर एक कंट्री के उस पावर की इज्जत करनी है तो हम लोगों ने अपने फॉरेन रिलेशन में सोचा कि हर कंट्री की हम इज्जत देंगे और हम क्या करेंगे हम सिक्योरिटी अचीव करने की कोशिश करेंगे पर हमें ये सब पीसफुली करना ठीक है ऐसे नहीं कि मतलब लड़ झगड़ कर जबरदस्ती सिक्योरिटी ला रहे हमने सोचा कि हम लोग पीसफुली चलेंगे ठीक है एकदम पीसफुली हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और ये सारी चीजें ना ये कुछ नई चीजें नहीं है ये सारी चीजें हमारी डीपीएसपी में भी झलकती हैं हमारे संविधान में है ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो डीपीएसपी में भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि हम लोग पीस पे विश्वास रखते हैं ठीक है हम बाकी कंट्रीज के सोवर्निटी की इज्जत करते हैं ये सारी चीजें आपको हमारे डीपीएसपी में भी लिखे हुए मिल जाएंगे नेक्स्ट आपको एक बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल दे रखा है तो मैं आपको समझाती हूँ अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं तो एक स्टूडेंट की जो पर्सनालिटी है वो दो चीज़ों से शेप होती है एक तो फैमिली है ना वो स्टूडेंट कहाँ पर है कोई स्टूडेंट नहीं मतलब एक इंसान इन जनरल ह्यूमंस का जो नेचर होता है जो सोचने का तरीका होता है वो दो चीज़ों से शेप होता है एक होता है फैमिली कि वो घर के अंदर कैसा है घर के अंदर का माहौल कैसा है और दूसरी चीज़ होती है घर के बाहर का माहौल अगर वो स्कूल जाता है ऑफिस जाता है या बाहर जाता है तो वहां पर किन टाइप के लोगों से मिल रहा है कैसी बातें कर रहा है क्या सीख रहा है इन दो चीजों से एक ह्यूमन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है।, है ना तो एक ह्यूमन के लाइफ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है घर के अंदर क्या चल रहा है और घर के बाहर क्या चल रहा है सेम चीज एक कंट्री के साथ भी होती है जब आप इंडिया के बारे में समझना चाहो तो आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है पर साथ ही साथ यू ऑल्सो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है तो जैसे फैमिली के अंदर और फैमिली के बाहर के लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं सिमिलरली एक कंट्री में भी कंट्री के अंदर की प्रॉब्लम्स और कंट्री के बाहर की प्रॉब्लम्स हमें इन्फ्लुएंस करती हैं ठीक है चलो तो उस टाइम पर क्या था जितनी डेवलपिंग कंट्रीज थी ना तो डेवलपिंग कंट्रीज नई नई कंट्रीज बनी थी उस टाइम पर उनके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं रहता था तो उनका मेन कंसर्न पता है क्या होता था बहुत मॉडेस्ट एम्स रखते थे वो लोग ठीक है आप समझ रहे हो उस टाइम पर जितनी डेवलपिंग कंट्रीज थी नई नई कंट्रीज बने थे तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं था तो वो बड़े बड़े सपने नहीं देखते थे वो मतलब छोटे छोटे मॉडस्ट एम्स रखते थे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर डेवलपिंग कंट्री बनी हुई होती थी तो वो ये सोचती थी कि यार बस इतना हो कि आसपास शांति बनी रहे ठीक है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो मैं अपने कंट्री को पीसफुली पीसफुलिसक्योर्ड रख पाऊ ठीक है तो जब कंट्रीज नई नई बनती हैं तो उनके हाथ में पैसा कम होता है तो उनके एम्बिशन भी छोटे छोटे लेवल के होते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इन डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ऐसा भी होता है कि ये किसी और कंट्री के ऊपर निर्भर होते हैं ठीक है जैसे मान लो कोई एक कंट्री है उसे नई नई आजादी मिली है और यूएसए सडनली उस कंट्री में आके बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो ऐसे में क्या है उस छोटी सी कंट्री के लिए यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाएगी तो वो कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसे बनाएगी कि वो यूएसए को इंपॉर्टेंस दे तो उस टाइम पे क्या था बहुत सारी नई नई कंट्रीज बन रही थी और कुछ टाइम के बाद कोल्ड वॉर का माहौल आ जाता है है तो क्या होता है? ऐसे कंट्रीज दो टीम में बट जाती हैं नई नई कंट्रीज जो थी वो दो टीम में बट जाती हैं एक टीम थी यूएसए की टीम ठीक है एक कंट्री तो क्या करती है एक टीम क्या करती है यूएसए की साइड ले लेती है और कुछ कंट्रीज क्या करती हैं सोवियत यूनियन की साइड ले लेती हैं पढ़ा था ना एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में वही बता रहे हैं कि उस टाइम पे जो नई नई कंट्रीज बनी थी उनके हाथ में पैसा नहीं होता था तो ज्यादातर केस में या तो वो यूएसए की साइड ले लेती थी या तो वो सोवियत यूनियन की साइड ले लेती थी ठीक है तो जो भी होता था वो उनके फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होता था तो ये आपको यहां पर बताया जा रहा है कि या तो यूएसए की साइड ले ली जाती थी या सोवियत यूनियन की साइड ले ली जाती थी तो ऐसे जब हमारे यहाँ कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है पूरे वर्ल्ड में तो सारे जो कंट्रीज थे वो दो हिस्सों में बट जाते हैं दो टीम्स में बट जाते हैं ठीक है इसी को कहा जा रहा है दो कैंप्स मतलब वो दो हिस्सों में बट जाते हैं एक हिस्सा यूएसए की साइड ले लेता है दूसरा हिस्सा क्या करता है सोवियत यूनियन की साइड ले लेता है तो ऐसे में अपना इंडिया किसकी साइड था बताओ हम यूएसए के साइड थे या सोवियत यूनियन के साइड थे वैसे तो तुम लोगों ने ये मेरे साथ एंड ऑफ बाइपोलरिटी में भी पढ़ रखा है पर यहां पर भी इस भी इस चैप्टर में ये टॉपिक रिपीट हो रहा है तो तो रिपीट हो रहा है है तो मैं भी तुम्हें फिर से बताऊंगी ठीक चलो तो नेक्स्ट टॉपिक यही है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट ठीक है तो मैं तुम्हें वैसे समझा देती हूँ कि नॉन अलाइनमेंट होता क्या फिर आगे आगे पढ़ते रहेंगे ठीक है नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कोल्ड वॉर के टाइम पर दो ग्रुप्स बन गए थे एक ग्रुप जो यूएसए को सपोर्ट कर रहा था जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था दूसरा ग्रुप जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था और सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था तो ऐसे में इंडिया ने क्या करा इंडिया ने दोनों ही टीम को ज्वाइन नहीं करा इंडिया ने कहा कि हम नॉन अलाइन्ड रहेंगे ना ही हम यूएसए की साइड हैं ना ही हम सोवियत यूनियन की साइड हैं हम दोनों के दोस्त हैं ठीक है हम न्यूट्रल हैं तो इसी पॉलिसी को नॉन अलाइनमेंट कहते हैं कि हमने कोई एक टीम नहीं चुनी ठीक है चलो तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो आपसे कह रहे हैं कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था ना वो एक आइसोलेटेड मूवमेंट नहीं था ऐसा नहीं था कि हमने अकेले अकेले कहीं पे मूवमेंट करके निपटा दिया हमारा जो मूवमेंट था उसने अलग अलग एरिया में वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल को इंस्पायर करा तो जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे एशिया में अलग अलग कंट्रीज हमें देखकर इंस्पायर हो रही थी ठीक है तो हमारा ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था इस मूवमेंट के थ्रू हमने एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज को क्या करा इंफ्लुएंस करा इंस्पायर करा ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आजादी मिलने से पहले भी इंडिया को आजादी मिलने से पहले भी क्या था हम लोग अलग अलग कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट में थे ठीक है तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज जहां पर कोलोनियलिज्म चल रहा था वहां के लीडर्स और इंडिया के लीडर्स आपस में कांटेक्ट में थे इसका एक एग्जाम्पल तो आप लोगों को खुद भी पता होगा ठीक है हाँ बहुत बढ़िया यार फिर से आ गया पेज ठीक है सब कूल है टेक्निकल इश्यू तो मेरे क्लास में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता चलो ठीक है

ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि कंट्री कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी होता है ना वो उस के, तो साथ के, तो के अंदर के प्रिंसिपल्स को तो दर्शा रहा ही था पर साथ ही साथ इंडिया के बाहर जो चल रहा था जैसे उस टाइम पर कोल्ड वॉर का माहौल था तो कोल्ड वॉर की इश्यूज भी हमारे पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भूल तो नहीं गए भूल भी गए तो कोई बात नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ देखकर रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्या था इस टाइम पर अलग अलग कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रही थी इसी टाइम पर कम्युनिस्ट चाइना बन रहा था और अलग अलग जगह डीकॉलोनाइजेशन चल रहा था मतलब जैसे हमने ब्रिटिशर्स को भगाया, बाकी कंट्रीज भी अपने कंट्री में ब्रिटिशर्स या किसी और को भगा रही थी ठीक है तो ऐसे में क्या होता है हमारी इंडिया भी एक लीडरशिप लेती है इस कंटेक्स में कि हमको भी कॉलोनियलिज्म पसंद नहीं है तो इंडिया मतलब एक एशिया में एक लीडर सॉर्ट ऑफ रोल को धीरे धीरे अपनाने लगता है ठीक है चलो अब इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेहरूज़ रोल हमारे फॉरेन पॉलिसी में जवाहरलाल नेहरू जी जिनकी इमेज मैंने यहां पे डाल दी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए नेहरू जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था क्यों था वो समझते हैं तो ये तो हमको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पर क्या आपको ये भी पता है जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे मतलब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर भी थे साथ ही साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे तो दोनों ही पोजीशन से उन्होंने हमारे फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा तो 1964 से लेकर 1946 से लेकर 1964 तक हमारी जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी में जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 1964 के बाद क्या हुआ उसके बाद इनका इन्फ्लुएंस क्यों रुक गया था 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है ठीक है तो 1946 यानी आजादी मिलने से एक महीना पहले से लेकर 1964 तक नेहरू जी हमारे फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है चलो तो नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के तीन मेजर ऑब्जेक्टिव थे तीन मेजर एम्स थे नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों यहां से कि वॉट वर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू फॉरन पॉलिसी तो तुम ये तीन पॉइंट लिख कर आओगे क्या थे उनके मेजर ऑब्जेक्टिव एक उनका मकसद था कि हमें अपने कंट्री की सोवर्निटी को बचाए रखना है इतनी मुश्किल से ब्रिटिशर्स को भगाकर इंडिया में हमें डिसीजन मेकिंग पावर्स मिले हैं सोविरनिटी मिला है इस सोवर्निटी को हमें बचाए रखना है हमें अपनी टेरिटरी की इंटेग्रिटी को बनाए रखना है हमारा जो लैंड है हमारा जो एरिया है हमारा जो टेरिटरी है हमें उसे इज्जत देनी है उसे बचाए रखना है हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है ये तीन मेजर मकसद थे नेहरू जी के फॉरन पॉलिसी के ठीक है अब नेहरू जी इन तीन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना चाह रहे थे नेहरू जी ने यह बोला कि नॉन अलाइनमेंट ही वो तरीका है जिससे हम इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएंगे तो नेहरू जी हमारे नॉन अलाइनमेंट में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे ठीक है अब इस टाइम पर हमारे कंट्री में ऐसे लोग भी थे जिनको लगता था कि नॉन अलाइनमेंट उतना अच्छा नहीं है नॉन अलाइनमेंट में क्या था नेहरू जी बोल रहे हैं ना ही यूएसए की साइड लो ना ही सोवियत यूनियन की साइड लो पर इस टाइम पर बहुत सारे लोग थे हमारे इंडिया में जो बोल रहे थे कि यार हमें ना यूएसए की साइड ले लेनी चाहिए ठीक है जैसे हमारे जो डॉक्टर जी हैं उनको भी ऐसा लगता था कि हमें यूएसए के कैंप को यूएसए की टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए ऐसे पार्टीज जो कम्युनलिज्म के खिलाफ थे वो लोग भी ये कह रहे थे कि हमें यूएसए को ज्वाइन कर लेना चाहिए ठीक है कौन कौन सी पार्टी थी वो भारतीय जनसंघ और बाद में स्वतंत्रता पार्टी ये दोनों ऐसी पार्टी थी जो कह रही थी कि हमें तो यूएसए की टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए याद रखना क्या पता क्लास के एंड में मैंने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डाल दिया तो ये याद रखना ठीक है तो हाँ कुछ लोग थे हमारे इंडिया में जो कह रहे थे कि हमें तो यूएसए के साइड को ज्वाइन कर लेना चाहिए पर हमारे नेहरू जी मतलब इस चीज को लेकर बहुत क्लियर थे कि नहीं किसी की टीम को ज्वाइन नहीं करना है हम तो भाई नॉन अलाइं रहेंगे इसी के साथ स्टार्ट होता है आपका सेकेंड टॉपिक डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स क्या मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स का मतलब दोनों कैंप से दूरी बनाए रखना यूएसए से भी हम दूर हैं सोवियत यूनियन से भी हम दूर हैं किसी एक कैंप किसी एक टीम को हम ज्वाइन नहीं कर रहे ठीक है तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी ना उस टाइम पर हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम ये चाहते थे कि हम एक पीसफुल वर्ल्ड बनाए और वो पीसफुल वर्ल्ड हम कैसे बनाने की सोच रहे थे नॉन अलाइनमेंट के थ्रू तो हमारे हिसाब से जब हम नॉन अलाइनमेंट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कोल्ड वॉर के टेंशन को हम कम कर रहे थे और हम यूनाइटेड नेशन की भी मदद कर रहे थे पीस कीपिंग में ठीक है तो ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने कभी कोई टीम ज्वाइन क्यों नहीं करी हमने यूएसए या फिर सोवियत यूनियन में से किसी एक टीम को ज्वाइन क्यों नहीं करा तो इसका आंसर ये है कि हम यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों के ही मिलिट्री अलायंस से दूर रहना चाहते थे एंड ऑफ बायपोलरिटी में भी आपने पढ़ा है कि ये लोग क्या करते हैं कोल्ड वॉर के दौरान अलग अलग मिलिट्री अलायंस बना लेते हैं जैसे यूएसए का अलायंस क्या था नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो जिसको बोलते हैं सोवियत यूनियन का क्या था वॉर्सऑप एक्ट तो हम क्या चाहते थे हम इन दोनों ही ट्रीटी से दूर रहना चाहते थे ठीक है तो इसीलिए इंडिया ने ये बोलना स्टार्ट करा कि फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट बेस्ट तरीका है ठीक है पर पता है क्या होता था हम लोग बोलते तो रहते थे कि नॉन अलाइनमेंट बहुत बढ़िया चीज है सबको नॉन अलाइनमेंट करना चाहिए पर कभी कभी हमारे हमारे लिए भी नॉन अलाइनमेंट दिखाना मुश्किल हो जाता था कैसे एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ यूनियन हंगरी के ऊपर अटैक करता पर उस टाइम पर इंडिया कुछ नहीं बोलता ठीक है बोलना चाहिए था अगर हम ना ही सोवियत यूनियन के साइड है ना ही यूएसए के साइड है तो अगर सोवियत यूनियन कुछ कर रहा है तो हमें बोलना चाहिए था सोवियत यूनियन के खिलाफ पर हम लोग नहीं बोलते तो ऐसे दो तीन और एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम लोग बोल तो रहे थे कि यार हम न्यूट्रल हैं, हम लोग नॉन अलाइंड हैं, पर फिर भी हम लोग किसी ना किसी ग्रुप की साइड ले रहे थे तो ऐसा कभी -कभी होता था, पर ऑल ओवर अगर आप मेनली देखो तो हम लोग नॉन अलाइंड तरीके से ही आगे बढ़ रहे थे ठीक है कभी कभी ऐसे दो तीन चीजें होती थी पर हम लोग ओवरऑल अपने आप को नॉन अलाइंड ही बोलते थे ठीक है इस टाइम के अराउंड यूएसए बाकी कंट्रीज को भी सम यूएसए नहीं इस टाइम के अराउंड इंडिया बाकी कंट्रीज को भी समझा रहा था कि आप लोग भी नॉन अलाइन्ड हो जाओ नॉन अलाइन्ड होने में ज्यादा फायदा है आप लोग भी नॉन अलाइन्ड हो जाओ हम बाकी कंट्रीज को समझा रहे थे ऐसे में क्या होता है पाकिस्तान पाकिस्तान जाकर यूएसए के टीम को ज्वाइन कर लेता है ठीक है अब जैसे ही पाकिस्तान यूएसए की टीम को ज्वाइन करता है यूएसए हमसे गुस्सा हो तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते है? तुम ही लोग अलग से टीम को ज्वाइन कर लिया है तो इस टाइम पर इंडिया हमसे इंडिया और यूएसए की एक अलग सी लड़ाई हो जाती है यूएसए हमसे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है ठीक है तो हम देखते हैं यूएसए और इंडिया का रिलेशन हल्का हल्का सा थोड़ा सा दोस्ती भी बढ़ रही थी ठीक है तो क्योंकि इंडिया और सोवियत यूनियन की दोस्ती बढ़ रही थी इस वजह से भी यूएसए को हमसे दिक्कत थी ठीक है तो इस टाइम पर ये सारी चीजें चल रही थी और क्या था इस टाइम पर आप लोगों ने ये मेरे साथ

जिसके वजह से इंडिया का कांटेक्ट बाकी कंट्रीज के साथ हल्का सा कम हो गया था तो इस टाइम पर यूएसए हमसे हल्का हल्का गुस्सा चल रहा था और क्योंकि हम लोग इकोनॉमी में इंपोर्ट बहुत कम कर रहे थे तो बाकी कंट्रीज के साथ उतना कुछ गहरा बॉन्ड हमारा बन भी नहीं रहा था ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफ्रो एशियन यूनिटी जल्दी से देखते हैं कि इस टॉपिक में आपको क्या बताया जा रहा है तो नेहरू जी हमेशा ये बोलते थे कि एशिया के अफेयर्स में इंडिया का हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा नेहरू जी हमेशा ऐसा सोचते थे कि एशिया में तो इंडिया आगे जाकर एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा इसका रीजन यह है कि इंडिया का साइज बहुत अच्छा है लोकेशन बहुत अच्छा है और इंडिया में पोटेंशियल बहुत है ठीक है तो नेहरू जी ने अपने टाइम पर ना बहुत सारी ऐसी चीजें करी जिसके थ्रू इंडिया का एशिया की बाकी कंट्रीज के साथ थोड़ा क्लोज कनेक्शन बना सिमिलरली इसी टाइम पर इंडिया का अफ्रीका के कुछ कंट्रीज के साथ क्लोज रिलेशन बनने लगा ठीक है तो नेहरू जी के टाइम पर हम लोग एशिया की अलग अलग कंट्रीज अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज के साथ थोड़ा थोड़ा यूनाइट होना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो हमने देखा है कि नाइनटीन और नाइनटीन के टाइम पर तो नेहरू जी एशियन यूनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे वो हमेशा बोलते रहते थे कि एशिया की तो सारी कंट्रीज को एकदम यूनाइटेड होना चाहिए इन्हीं के लीडरशिप के अंडर हम लोग एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं मार्च 1947 में आज़ादी मिलने से पहले भी हम लोग कॉन्फ्रेंसिस कर रहे थे जहां पर हम लोग एशिया के इश्यूज को इन डिटेल डिस्कस कर रहे थे नेहरू जी के लीडरशिप के अंडर इसके अलावा क्या था इस टाइम पर इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया के ऊपर डच लोगों ने कब्जा कर रखा था तो इस टाइम पर इंडिया इंडोनेशिया को भी सपोर्ट करता था कि इंडोनेशिया के ऊपर कोलोनियलिज्म नहीं होना चाहिए डच लोगों को वहां से हट जाना चाहिए हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा था 1949 में इस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बोला था कि इंडोनेशिया को सपोर्ट करो ठीक है नेक्स्ट इस टाइम पर हम लोग डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करते थे हम कहते थे कि किसी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेना गलत है हम लोग रेसिज्म के खिलाफ थे साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम चल रहा था स्किन कलर के बेसिस पे जो भेदभाव चल रहा था हम उसके खिलाफ भी बहुत ओपनली इस टाइम पर बोला करते थे नेक्स्ट क्या था एक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होता है इंडोनेशिया की एक सिटी में जिसका नाम था बैंडन ठीक है बैंडन में एक कॉन्फ्रेंस होता है 1955 में कॉमनली इसे बैंडन कॉन्फ्रेंस बोला जाता है ये कॉन्फ्रेंस पीक पॉइंट था हमारा जहां पे हम लोग एशिया और अफ्रीका की यूनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे बैंडंग कॉन्फ्रेंस में ही बाद में क्या होता है नाम की शुरुआत होती है नाम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत कहां से होती है बैंडम कॉन्फ्रेंस से यहीं पर ही बात की जाती है कि हमें नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए नॉन अलाइन मूवमेंट का फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट समिट कहां पर हुआ था बेलग्रेड में हुआ था सितंबर 1961 में हुआ था और हमारे नेहरू जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नॉन अलाइन मूवमेंट में नॉन अलाइन मूवमेंट के वन ऑफ द को हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीस इन कंफ्लिक्ट जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने बोला था ना इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा थोड़ा चाइना और पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तो पहले चाइना के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है अब देखो पाकिस्तान के साथ तो स्टार्टिंग से ही कुछ कुछ इश्यूज रहे हैं हमारे स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान और इंडिया की नहीं बन रही थी पर चाइना और इंडिया के साथ ऐसा नहीं था इनफैक्ट चाइना और इंडिया स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत गहरे दोस्त थे

इस टाइम पर ऐसे मतलब हम इतने क्लोज थे चाइना के साथ कि हम ऐसे भाई भाई टाइप्स स्लोगन बनाते थे अब इस टाइम पर नेहरू जी को अलग अलग लोगों ने वॉर्न करा था ठीक है चेता चेतावनी दी थी कि चाइना के साथ इतनी गहरी दोस्ती मत करो क्या पता कल को हमारे ऊपर अटैक कर दे क्या पता कल को हमारे साथ एग्रेसिव हो जाए तो कुछ लीडर्स जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू जी को करा था, इतनी गहरी दोस्ती भी मत करो कल को हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है बट नेहरू जी ने ये बात नहीं सुनी नेहरू जी ने उनसे बोला कि दिस इज हाईली अनलाइकली ठीक है ऐसी चीज होना मतलब मुझे लग नहीं रहा कि कभी चाइना हमें धोखा दे सकता है ठीक है पर आगे जाके देता है ठीक है और जब आगे जाकर चाइना हमें धोखा देता है ना तो नेहरू जी की पॉपुलैरिटी के ऊपर भी असर पड़ता है जनता भी बहुत नाराज हो जाती है कि यार नेहरू जी ने यह तक नहीं देखा कि चाइना हमारे ऊपर कल को अटैक कर देगा ठीक है तो वहां तक भी जाएंगे तो काफी लंबे टाइम तक चाइना और इंडिया की अच्छी दोस्ती थी इनफैक्ट इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर रहता था ना हम वहां पे आर्मी को नहीं रखते थे हम वहां पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस को रखते थे नॉर्मली पैरा मिलिट्री फोर्सेस इंडिया के अंदर देखने के अंदर सिक्योरिटी देखने लिए होती हैं पर हमें चाइना के ऊपर इतना विश्वास था कि इंडिया और चाइना बॉर्डर में हम लोगों ने आर्मी भी नहीं रख रखी थी हमने पैरा मिलिट्री फोर्सेस को रख रखा था इस टाइम पर इंडिया और चाइना के लीडर्स एक दूसरे के कंट्रीज को विजिट करते थे और ऐसा होता था अगर चाइना के ऑफिशियल्स uh, हमारे इंडिया में आ रखे हैं तो हमारे यहाँ मतलब बहुत खुशी से उनका स्वागत करा जाता था सेम अगर इंडिया के लीडर्स चाइना जाते थे तो चाइना में भी बहुत लोग एकदम खुश होकर हमारे लीडर्स का स्वागत करते थे ठीक है और पता है पीक पॉइंट क्या था इंडिया और चाइना के रिलेशन में तो ये था ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और चाइना के लीडर जू एन लाई ये लोग साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको हम कहते हैं पंचशील पंचशील में बेसिकली क्या था पांच ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिसके थ्रू इंडिया और चाइना साथ में मिलजुल के कोऑपरेट कर रहे थे तो वैसे तो एग्जैक्टली ये पांच प्रिंसिपल तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है नहीं पर क्योंकि पंचशील की बात हो रही है तो तुम लोग ऐसी बस देख लो कि पांच प्रिंसिपल क्या है पहला प्रिंसिपल क्या था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के टेरिटरी को इज्जत देंगी एक दूसरे के सोवर्निटी को इज्जत देंगी सेकेंड पॉइंट क्या था कि दोनों कंट्रीज आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे एग्रेशन नहीं दिखाएंगे तीसरी चीज क्या थी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनेशनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे चौथी चीज क्या थी कि दोनों कंट्रीज इक्वालिटी दिखाएंगे और म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करेंगे म्यूचुअल बेनिफिट मतलब चाइना को भी फायदा होना चाहिए इंडिया को भी फायदा होना चाहिए पांचवा पॉइंट क्या था हमने कहा कि हम लोग पीसफुल को करेंगे शांति से दोनों कंट्रीज साथ में रहेंगे तो ये हमारा पंचशील था पर आगे जाकर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है इंडिया और चाइना के बीच में वॉर भी होता है पर वो सारी चीजें अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी यहां तक अच्छे से रिवाइज कर लेना और मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूं

सी में कहा है कि वो नॉन अलाइनमेंट के स्ट्रैटेजी के ऊपर विश्वास रखते थे डी में कहा है कि उन्होंने चाइना के साथ मिलिट्री अलाइंस कर ली थी तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है आ, क्लास खत्म होने के बाद नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना ओके okay, चलो तो ये तो थी हमारी रिकॉर्डेड क्लास पर अगर आप कभी मेरे से लाइव मिलना चाहते हो तो मेरी लाइव फ्री क्लासेस भी होती हैं इन लाइव फ्री क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा अगर आप इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक कोड यूज करना होगा अनुष्या ए एन यू एस एच वाई एम आप ही लोगों के डिमांड पर हम लोगों ने डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज़ के बैचेस को भी स्टार्ट कर दिया है क्लास ट्वेल्थ का जो बैच है उसका नाम है विक्ट्री बैच तो अगर आप हमारे विक्ट्री बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको विक्ट्री बैच का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ अन्य में हमारे उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारी दीदी का नाम ही काफी है कोड यूज करो अनुष्या ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ हमारे विक्ट्री बैच को अभी के अभी ज्वाइन कर पाओ इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो मैं वहां पे तुम्हें नोट्स भेजती जैसे जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो इस चैप्टर के भी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी ओके तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जब भी कोई क्लास रहती है तो मैं क्लास की अपडेट्स भी तुम्हें टेलीग्राम पर देती हूँ चैनल का लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलो स्टूडेंट्स तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगी अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स के साथ शेयर करो एंड ऑफ कोर्स शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू